प्यारे दोस्तों, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये शेर दो दिन के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के स्टेटस की जीनत बन गया। जिस शेर को लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज उस असार को, उस शेर को अपने स्टेटस की जीनत बना रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की लास्ट अपडेट 3:40 पर है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3:40 पर घाटकोपरी पुलिस स्टेशन से निकाल करके दादर कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। इतनी तो खबर मिली है कि पुलिस उनको घाटकोपरी पुलिस स्टेशन से ले जाकर के दादर कोर्ट में पेश करेगी। मजिस्ट्रेट के सामने वहां से जो फैसला होगा कि उनको मुंबई में रखा जाएगा या उनको गुजरात जूनागढ़ लेकर के जाया जाएगा। लेकिन आधा घंटा तक पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट के इर्द गिर्द घुमाती रही। उसके बाद में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोई लोकेशन किसी को नहीं मिल रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो उनके वकील है, जो उनके लायर है, वह हरीफ मोहम्मद साहब, उनका क्या कहना है पहले उनको सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं पूरे मामले पर कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई के अंदर ही रखा जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा, या उनको रिहा कर दिया जाएगा, या फिर मुंबई में उनको जूनागढ़ गुजरात लेकर के जाया जाएगा। सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लायर को क्या कहते हैं। एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे इनको, हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अग्निश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। जूनागढ़। दोस्तों, ऐसा बताया गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लायर कहते हैं मोहम्मद आरिफ के उनको जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब मुंबई से जूनागढ़ ले जाया जा चुका है। 2 दिन की रिमांड पर कितना बड़ा जुर्म था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कि एक शेर क्या कह दिया कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। इस शेर को नफरती चिंटुओं ने काट काट करके और अपने ऊपर फिट कर लिया। वह ये समझने लगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हमें कुत्ता कहा है। लेकिन इस शेर के अंदर किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया, किसी धर्म के संतों को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि किसी का भी इसके अंदर नाम शामिल नहीं था। लेकिन उल्टा तीर उन्होंने खुद ही अपने पिछवाड़े में ले लिया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को लेकर के उनके गिरफ्तार करने के लिए गुजरात से ATS मुंबई आ जाते हैं। एक बयान हम दिखाते हैं, बड़े नेता का है, जनाब आप इनको जान सकते हैं। और इनका बयान क्या है कि मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना किसके लिए तैयार हो जाओ, इसके ऊपर कितनी ATS जांची होंगी, कितनी ATS पुलिस अफसर आकर के इनकी जांच करेगा, इनसे पूछताछ करेगा। 14 घंटों तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में घाटकोपरी पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती है। उसके बाद में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर के जरिए या किसी के जरिए भी सोच लीजिए, उनको गुजरात जूनागढ़ हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। यह है हिंदुस्तान का कानून, जो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। यहाँ पर अमीर नहीं देखा जाता, गरीब नहीं देखा जाता। आखिरी अपडेट क्या होती है, जूनागढ़ से क्या अपडेट आती है, इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।